बीमार और उसे बीमार बनाया किसने? आओ मेरे साथ। अरे तू क्यों आया यहाँ, कहाँ है बैठल गाड़ी? तो क्या हुआ बेटा? अरे तू क्यों आया यहाँ, कहाँ है बैठल गाड़ी? मैं हिंदी हूँ बेटा, और यहाँ बैठने में क्या परेशानी है? हिंदी? वो हिंदी जो पेपर में लिखा जाना पढ़ा जाना वो हिंदी? हाँ बेटा मैं वही हिंदी हूँ। माँ करिमाई हम ज्यादा पढ़ा लिखा ना है ऐसे ना जाना थे। अच्छा ठीक है। रुको रुको मैं कहाँ जा पा रही, ये तो अंग्रेजियों की जगह, यहाँ सिर्फ अंग्रेजी को बैठने देते, आपको बैठने नहीं देंगे। तो ठीक है बेटा, ये अस्पताल कहाँ पर है? अस्पताल? अच्छा हॉस्पिटल, वो तो हमारा गूगल होगा बता दे। चला चला लेकिन चला। सुनो काकी मच्छी ले जा। नहीं चाहिए बेटा। क्या ना ना आम हिंदी जानी ना। अच्छा ठीक है बेटा। अरे तुम मच्छी लेकर आए, जाना नहीं इनकी तबीयत खराब, जा तुम बैठो जाके, चला नहीं जाओ तभी। लेकिन माई ये तो बंगाली बोलत रहा है, आपको कैसे समझ में आ गई? क्यों बेटा मैं क्यों नहीं समझूंगी, है तो ये मेरी ही संतान। हाँ हाँ सही कहा, चलिए पीछे से बनाऊंगी। अरे बेटा खाना मांगा होता तो दे भी दे, तूने तो अंग्रेजी मांगी। अंग्रेजी से रोटी कपड़ा मकान मिलने लगता तो आज अमेरिका भगवान होता। मांगना है तो ज्ञान मांग, शब्द का तो ये गूगल भी बता देगा। अरे क्या बात कर, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, और तुम्हें अंग्रेजी सीखना है। माँ ये क्या हालत हो गई हिंदी की? ये भारत है बेटा, यहाँ लोगों के मरने के बाद भी 13 दिन का श्राद्ध मनाया जाता है। सही कहा माँ, यहाँ चीजों के बीतने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। चलिए अस्पताल चलते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हो गया बेटा? मेरी बहुत दिनों से तबीयत खराब है डॉक्टर साहब। आंखें ऊपर करो, पिछले महीने जो सीरप पी थी वो पी रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब हम रोज पी रहे हैं। खून की कमी हो गई है, चुकंदर खाओ खून बना रहेगा। चला चला जल्दी चला। क्या हो गया माते बताइए? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, बहुत समय पहले घुमक कर चक्कर आने लगे, डरावने सपने बदलाव क्या सच भी होने लगे, मुझे शिक्षा के माध्यम से हटाकर केवल एक विषय बना। क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, वॉवल्स की उल्टी आती है तो एडजेक्टिव का सदक, मुझे तो लगता है मुझे इंग्लिश का कैंसर हो गया है। ये अंग्रेजी का कैंसर नहीं बा, ये तो इग्नू और एशिया के लक्षण लगे हैं, शरीर में अंग्रेजी का मात्रा बढ़ गई बा। अच्छा ते का इलाज का बा? पहले इसका कारण तो जान लो, इसका कारण इन्हीं के लोग हैं जो कि अपने संस्कृत भाषा को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं और अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। उस देश का कोई अस्तित्व नहीं जिस देश की खुद की भाषा नहीं।